बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड यू आर टेकिंग योर ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली एंड यू आर डूइंग योर होमवर्क नीटली एंड केयरफुली। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम बहुत सीरियसली कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस को टाइम पर ले रहे होंगे और अपना होमवर्क भी बहुत नीटली और ध्यान से कर रहे होंगे। ऐसा ही है ना? यस स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश ग्रामर क्लास एंड यू नो दैट We are learning English grammar through Iqra Applied Grammar Book 1 and Alhamdulillah we have completed 2 lessons and now we are learning possessive adjectives in our Unit 3. Unit 3 में हम अपना start कर चुके हैं और हमने इसमें क्या सीख रहे हैं, हम possessive adjectives के बारे में सीख रहे हैं and in the last class I have told you that what are possessive adjectives and what are the examples of possessive adjectives and where do we use it, okay? So, as you know that possessive adjectives are, we can make possessive adjectives from personal pronouns. The possessive adjective of I is my, the possessive adjective of we is our, and you is your, the possessive adjective of they is their, and the possessive adjective of he is his, she is her and it is its. आपको याद होगा और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, और अगर आप भूल गए हैं क्योंकि आपने लास्ट क्लास में अपना टेक्स्ट का काम किया है, तो यू कैन वॉच द वीडियो अगेन। आप जो प्रीवियस वीडियो है उसको दोबारा देख सकते हैं, तो आपको दोबारा से वो चार्ट भी नज़र आएगा और आप उसको अच्छे से रिकॉल भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर न्यू टॉपिक, बट बिफोर मूविंग टू द टॉपिक आई वॉन्ट टू शो यू द होमवर्क। Yes students, as you can see that, or do you remember that we have done these two exercises in the last lecture? During the last lecture you have solved, आपने यकीनन solve कर ली होंगी। जब हम ये साथ साथ कर रहे थे lecture के दौरान ही आपने इसको complete कर लिया होगा। And what I gave you in the last class, I gave you to complete the sentences using the suitable possessive adjectives। आपको possessive adjectives को put करना था and I told you कि आपको according to the subject जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव पुट करना है और आपने यकीनन ऐसे ही किया होगा। यू कैन चेक योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क इस एक्सरसाइज का चेक कर सकते हैं। अब कोई मिस्टेक है और उसको आप उसकी करेक्शन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द न्यू टॉपिक। यस स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हैविंग सम स्पीकिंग प्रैक्टिस एंड वी आर गोइंग टू डू स्पीकिंग प्रैक्टिस टुडे इन विच वी हैव टू टॉपिक्स, learn to speak and ask and reply. Yes, we have two topics and we are going to use different adjectives in these two topics. Okay, हमें different types of adjectives को use करना है, उसमें हमारे adjectives of quality भी आ जाएंगे और possessive adjective भी होंगे। Yes students, you can see word bank on page number 16 in which different adjectives are given. आप इन एडजेक्टिव्स को अपनी वर्बल प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं और अभी जो आपको होमवर्क मिलने वाला है उसमें भी आपको इन्हीं एडजेक्टिव्स की मदद से डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं। यू हैव टू मेक डिफरेंट सेंटेंसेस बाय यूजिंग दीज एडजेक्टिव्स एंड रिमेंबर गर्ल्स, दिस इज़ योर वर्बल प्रैक्टिस। इसका सिर्फ आपको यानी कि बोलने की प्रैक्टिस करनी है, दिस इज़ फॉर स्पीकिंग ओनली और रिटन वर्क नहीं है, ठीक है? इसके रिटन सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, ये चीज़ आपने माइंड में रखिएगा। और क्लियर है कि आपको सिर्फ ज़बानी प्रैक्टिस करनी है। ओके, इन एडजेक्टिव्स के मीनिंग को जहन में रखते हुए और इन एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हुए। वी हैव डिफरेंट एडजेक्टिव्स हियर। फर्स्ट एडजेक्टिव इज़ ब्यूटीफुल, खूबसूरत। नीट मींस क्लीन, साफ सुथरा। नीट एंड क्लीन मोस्टली एक साथ ही यूज़ होता है, अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, मतलब देर तक चलने वाला या देर पा। ब्लू, इट्स द नेम ऑफ अ कलर। रेड, न्यू। चीप, चीप मीन्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, जो चीज़ कम कीमत में हो। ब्लैक, ओल्ड। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल के भी वही मतलब होते हैं, जो कि आपको कम प्राइसेस में कोई चीज़ मिल जाए, सस्ती। एक्सपेंसिव, महंगी। सॉफ्ट, हार्ड। ग्रीन, स्मॉल। लार्ज, शॉर्ट। येलो, ब्रांडेड। डल, डल मीन्स नॉट वेरी ब्राइट, जो ब्राइट नहीं होता।
जो बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होता. एंड देन वी हैव द ऑपोजिट, कलरफुल, स्टाइलिश, सिंपल. अगेन वी हैव येलो, इट्स रिपीटेड. ओल्ड, ओल्ड भी शायद रिपीट हुआ है, जी. एंड देन लाइट, हल्का, वजन में या कलर में भी कह सकते हैं. हैवी, यूज़फुल, कोई चीज़ बहुत कारामद होती है, काम की होती है. एंड हेल्पफुल, जो मदद करने वाला होता है या मदद करने वाली कोई चीज़ होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू द प्रैक्टिस. व्हाट वी हैव टू डू इन दिस प्रैक्टिस, यस, शेयर विद योर पार्टनर अबाउट योर बिलोंगिंग्स. आपको अपनी किसी चीज़ के बारे में अपने पार्टनर से डिस्कस करना है. यू हैव टू एक्सप्लेन और टेल समथिंग अबाउट योर बिलोंगिंग टू योर पार्टनर. और किस तरह से करना है, वी आर गोइंग टू रीड और वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस. येस, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई बिलोंगिंग एंड इट्स मैंशन दैट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद माई पार्टनर अबाउट माई बिलोंगिंग्स. एंड वन मोर थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू. And students, I am going to discuss about my book as it is mentioned in the page, on page number 16. And you can use these adjectives given in the word bank if they are suitable for the book. And you can use different adjectives also that are suitable or relevant for the book. सही है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कोई adjectives है जो आप book के लिए use कर सकते हैं तो ठीक है. और अगर आप कोई ऐसा adjective choose करना चाहें, ऐसा adjective लेना चाहें जो आपको book के लिए और ज़्यादा suitable लग रहा हो, जो इसमें मौजूद ना हो, तो आप वो adjectives भी use कर सकते हैं. और इसमें जो adjectives आपको दिए गए हैं, ये आप different belongings के लिए use कर सकते हैं जिसके साथ suitable हों. ठीक है, जैसे ड्रेस है, बैग है, योर चेयर है, जो भी बिलोंगिंग है आपकी, कवर्ड है, तो आप उसके लिए डिफरेंट एडजेक्टिव्स इसमें से यूज़ कर सकते हैं. बट स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड दैट दे मस्ट बी सूटेबल, यानी कि रेलिवेंट एडजेक्टिव्स होने चाहिए जिस बिलोंगिंग के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं उससे. ओके, लेट्स हैव सम प्रैक्टिस. आई एम शेयरिंग अबाउट माई बुक विद माई पार्टनर. ओके, अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. दिस इज़ माई बुक. It is new. It is blue. It is colorful and expensive. It is exciting and helpful. I like it very much. Okay students, as you can see, as you have heard that I have discussed different adjectives about my book. मैंने अपने book के लिए I have used different adjectives for the book. और as you can see the color of the book is blue. और जो मैंने adjectives use किए हैं उसके बाद मैंने closing line या ending line की कही है कि I like it very much. आप भी इस तरह की कोई line use करते हुए अपने topic को end कर सकते हैं, अपनी बात का इख्तिताम कर सकते हैं. I am reading again. I am reading the dialogues again for your further practice. उसमें आपको अपने एक्सप्रेशंस को भी लाना है, जिस तरह से बात की जाती है. जस्ट रीड नहीं करना. ओके, दिस इज़ योर स्पीकिंग प्रैक्टिस, सो यू हैव टू ऐड योर इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस आल्सो. लेट्स हैव प्रैक्टिस. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. दिस इज़ माय बुक. इट इज़ ब्लू. इट इज़ कलरफुल एंड एक्सपेंसिव. इट इज़ एक्साइटिंग एंड हेल्पफुल. आई लाइक इट वेरी मच. Okay students, now my partner will share about her book to me. Okay, let's have practice. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. This is her book. It is new. It is brown. It is knowledgeable and interesting. It is economical and best-selling. She likes it very much. Yes students, as you can see that my partner has discussed or told you about the book shown in the picture.
ओके, उन्होंने जो बिलोंगिंग बताई है वो किसी गर्ल की बिलोंगिंग है और इसीलिए उन्होंने कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया है? येस, हर यूज़ किया है। जब आप अपने लिए किसी चीज़ की बिलोंगिंग के बारे में बताते हैं तो आप माई पजेसिव एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं, और जब आप किसी और की बिलोंगिंग और अगर वो गर्ल हो तो फिर आप कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं? हर यूज़ करते हैं। वी आर प्रैक्टिसिंग अगेन, और आपने जो एडजेक्टिव्स इसमें सुने हैं दे आर ऑल्सो सूटेबल एंड रेलिवेंट फॉर द बुक। और अगर आपको कोई और एडजेक्टिव और कोई और क्वालिटी ऐसी मिलती है जो आपको लगता है कि बुक के साथ सूटेबल है तो यू कैन ऐड इन इट, ओके, इन योर वर्बल प्रैक्टिस। अपनी वर्बल प्रैक्टिस भी तो करनी है ना आपको, तो उसमें आप डिफरेंट एडजेक्टिव्स को ऐड कीजिएगा। लेकिन रिमेंबर, जो भी बिलोंगिंग आप चूज़ कर रहे हैं उसकी रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है? वी आर प्रैक्टिसिंग अगेन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दिस इज़ हर बुक। इट इज़ न्यू, इट इज़ ब्राउन, इट इज़ नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग, इट इज़ इकोनॉमिकल एंड बेस्ट सेलिंग, शी लाइक्स इट वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव प्रैक्टिस्ड अबाउट द बुक, हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, और आपको ये इसमें रिटन वर्क भी थोड़ा सा करना है। Although it is speaking practice, but we have to do some written work too. We have to put some adjectives in the blanks. जो भी adjectives आप book के लिए choose करें वही adjectives आपको put करने हैं. Okay, moving to the next topic, which is ask and reply. पता? Yes, students. Moving to the next topic, ask and reply, in which we have some questions and answer as you have practiced in your previous lessons. हमारे दोनों lessons में ये topic था और relevant to the topic होता है, तो इसी तरह क्योंकि हमारा topic possessive adjective है, so we have some questions having possessive adjectives. इन questions में आप ये चीज़ notice करेंगे और आप highlight भी करेंगे कि इसमें कौन सा possessive adjective use हुआ है. We have a structure of question and answer. As you can see in your book, is it her scarf? Answer may be positive or negative. If it is her scarf, then we use the structure, yes, it is. And if we have a negative answer, then no, it is not. If we have the plural of subject, means if we have a belonging or the thing which is in plural, which is in plural form, like are these my books? Answer will be, if your answer is positive, then you will say yes, they are. And if the answer is negative, then you will say no, they are not. Okay, now moving to the practice, we have some questions here. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. Is it your bag? Yes, it is. Are they your relatives? No, they are not. Is it my geometry box? No, it is not. Okay. Is it our school? Yes, it is. Are they your friends? Yes, they are. In the same way, you have to practice verbally. आपको भी verbal practice करनी है और इसी तरह से short replies करने हैं. अगर आप किसी question का negative में answer देना चाहें तो negative structure को follow कीजिएगा, और अगर positive answer देना चाहें, affirmative answer देना चाहें, तो फिर आप positive structure को follow कीजिएगा. This is all for today. Now note down the homework, students. Your homework is you have to make sentences by using adjectives given on page number 16. I have written in bracket orally, means you have to मेक अ वर्बल प्रैक्टिस. ओके, जस्ट वर्बल प्रैक्टिस करनी है, मतलब जबानी आपको किसी पार्टनर के साथ सर्च करके अपने साथ कोई पार्टनर अपना फैमिली मेम्बर को सिलेक्ट कीजिएगा और उनके साथ इसी तरह से वर्बल प्रैक्टिस कीजिएगा, जबानी प्रैक्टिस कीजिएगा जिस तरह भी आपने वीडियो में देखी है. कोई रिटन वर्क नहीं है. डिफरेंट एडजेक्टिव जो आपको वर्ड बैंक में दिए गए हैं उनको यूज़ करते हुए आपको डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं अबाउट योर बिलोंगिंग्स. ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.